आपको भी हाथों पैरों में लगातार झुनझुनाहट रहती है, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, तो ये संकेत है कैल्शियम की कमी के। तो आज हम आपको बताते हैं कैल्शियम की कमी के कारण। तीस के बाद क्यों हो जाती है कैल्शियम की कमी? 30 के बाद महिला के लिए कैल्शियम लेना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ महिला की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीरियड्स में ज़्यादा ब्लड फ्लो, स्तनपान करवाने और गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में इसकी कमी होने लगती है। कितनी मात्रा में लेना जरूरी है कैल्शियम? दिन के हिसाब से 4 से 18 साल की महिला के लिए 1300 mg, वयस्क महिला के लिए 1000 से 1200 mg कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकती है ये समस्याएं। जब कैल्शियम की कमी होती है तो मांसपेशियों में खिंचाव होने लगता है, ऐंठन होने लगती है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द करने लगता है, शरीर में सुस्ती पड़ी रहती है, भूख कम लगती है, नींद कम आती है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, दांत खराब होने लगते हैं, नाखून पर सफ़ेद निशान आने लगते हैं या कच्चे हो जाते हैं। बहुत सी महिलाएं कैल्शियम की कमी के चलते कंसीव नहीं कर पाती या मिसकैरेज हो जाता है। कमजोर याददाश्त और स्किन एलर्जी भी इसी तरह से हो सकती है। क्या करें? इसके लिए कैल्शियम की गोलियों और सप्लीमेंट्स के सहारे ना बैठें, बल्कि नेचुरल आहार खाएं। कैल्शियम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, दही का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अंडे का सफ़ेद हिस्सा, सी फूड, पत्तेदार हरी सब्जियाँ, दालें, ड्राई फ्रूट्स, ब्रोकली, पालक, टोफू, सोयाबीन, सोया मिल्क आदि को शामिल करें। ताज़ी धूप जरूर लें, इससे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होगा जो कैल्शियम को अवशोषित करके रखता है। तो आज हमने आपको बताया कि आपको किस वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर आप ऐसी ही सेहत से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।